नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल एसपी लाइसेंस में, जहां पे मिलती हैं आपको रिक्रूटमेंट रिलेटेड सारी जानकारियां। दोस्तों आज मैं आपके साथ क्या बात करने वाला हूं, आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सेबी ग्रेड ए के बारे में। सेबी ग्रेड ए के बारे में हम क्या क्या जानेंगे, सेबी ग्रेड ए की रिक्रूटमेंट के बारे में, जो नई अपडेट्स आई है उसके बारे में, उसके बाद उसके सिलेक्शन पैटर्न के बारे में, उसके बाद 3 नंबर पर उसके एग्जाम सिलेबस के बारे में, और उसके बाद 4 नंबर पर उसकी क्या कट ऑफ रही है पिछले एग्जाम में उसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम इन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिए, और अगर आप कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी मैं वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको शेयर भी कर दूंगा साथ के साथ, तो डोंट वरी, आप सिर्फ ध्यान दीजिए। तो आइए लेके चलता हूँ मैं आपको अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों आइए सबसे पहले बात करते हैं सेबी ने अपने एग्जाम की और अपने फॉर्म भरने की जो नई डेट्स बताई हैं वो क्या क्या डेट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पहले डेट्स दी गई थी सेबी के द्वारा 7 मार्च को जब उसने नोटिफिकेशन रिलीज किया था, तो वो सारी डेट्स जो हैं वो अभी चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि कोरोना वायरस सभी को पता ही है कि उसकी वजह से सारे जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, सारे एग्जाम्स रीशेड्यूल हो रहे हैं। तो सेबी ने भी अपना जो एग्जाम था वो रीशेड्यूल किया है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप इधर देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस की जो डेट अर्लियर थी वो थी 7 मार्च 2020 से 23 मार्च 2020। अब नई डेट्स क्या हो गई, 7 मार्च 2020 से 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने अभी भी फॉर्म नहीं भरा है तो आप ये वाला फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी बहुत ही क्रीम जॉब है। या दोस्तों, उसके बाद फेज वन जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन था सेबी का वो था 12 अप्रैल तक को, फेज वन का एग्जामिनेशन। जी हाँ दोस्तों, फेज वन फेज टू क्या होता है ये सारी मैं अभी आपको आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो फेज वन का जो एग्जामिनेशन था वो 12 अप्रैल 2020 को था, अब उसे चेंज करके 4 जुलाई 2020 कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा। उसके बाद जो फेज टू का एग्जाम था वो 3 मई को था, अब उसे चेंज करके 23 अगस्त कर दिया गया है। यहाँ दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज हुई है, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा का टाइम आपको मिल चुका है सेबी के एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो प्रिपरेशन अगर आपने अच्छी कर ली है, तो अगर आप कर लेते हैं आगे आने वाले टाइम में 3 महीने में, तो आपका सेबी का जो एग्जाम होगा वो बहुत ही तरीके से जाएगा और आपको एक बहुत ही बढ़िया जॉब आपको मिल जाएगी, आप बहुत ही अच्छी जॉब के मालिक हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी सेबी की नई डेट्स के बारे में जानकारी। अब हम बात करते हैं कि सेबी के सिलेक्शन पैटर्न के बारे में, सेबी ने क्या बताया है सिलेक्शन पैटर्न के बारे में। सिलेक्शन पैटर्न के बारे में जाने से पहले दोस्तों हम जरा बात कर लेते हैं कि कितनी पोस्ट्स हैं। ऑल्दो आप सभी लोगों को पता होगा कि कितनी पोस्ट हुई हैं, आपने अभी तक देख भी ली होंगी, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है तो उनके लिए ये मैं बता देता हूँ। जो ग्रेड ए की वैकेंसी है उसमें जो जनरल स्ट्रीम, ग्रेड ए वाले को जनरल स्ट्रीम में डाला हुआ है सेबी ने, तो जनरल स्ट्रीम की जो टोटल वैकेंसी है वो 80, तो उसमें से 32 जनरल की वैकेंसी है, 22 ओबीसी की वैकेंसी है, 12 एससी की वैकेंसी है, 6 एसटी की वैकेंसी है, और 8 EWS की वैकेंसी है। या लीगल में जो टोटल वैकेंसी निकली हुई है वो 28 वैकेंसी निकली हुई है, आईटी में जो टोटल वैकेंसी है वो 17 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग सिविल में जो वैकेंसी है वो 1 वैकेंसी है, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसी है, और रिसर्च में 4 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, तो जो ये स्टार है जहाँ पे स्टार लगा हुआ है तो ये इंडिकेट कर रहा है बैकलॉग वैकेंसीज। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ये नोटिफिकेशन कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, कोई टेंशन मत लीजिए। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सिलेक्शन पैटर्न के बारे में। क्या दोस्तों, सिलेक्शन पैटर्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताता हूँ कि सिलेक्शन सेबी में ए ग्रेड में आप कैसे कर सकते हैं। नंबर एक, आपको देना होगा फेज वन का एग्जाम, फेज वन एग्जाम आपका फॉलो करेगा फेज टू एग्जाम को, फेज टू एग्जाम आपको फॉलो करेगा फेज थ्री एग्जाम को। फेज थ्री जो एग्जाम होगा वो इंटरव्यू होगा, तो फेज थ्री को छोड़ देते हैं अभी, क्योंकि ये इंटरव्यू है, पर्सनल इंटरव्यू जो होता है। फेज वन में देखते हैं, फेज वन में आपके पास जो चीजें आएंगी उसमें होंगे 2 पेपर, पेपर वन एंड पेपर टू। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद फेज टू में जो होगा वहां पे भी आपका सेम होगा, क्या क्या होगा फेज टू में होगा पेपर वन एंड पेपर टू। अब पेपर वन में क्या आएगा, पेपर टू में क्या आएगा, ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि फेज वन में पेपर वन और पेपर टू होगा, फेज टू में पेपर वन और पेपर टू होगा। इसको मैं नोटिफिकेशन में भी एक बार आपको बता देता हूँ जो सेबी ने दिया है, तो सेबी ने बताया है ऑलरेडी एग्जाम के बारे में। तो ये देखिए, पेपर वन जो होगा फेज वन का जो पेपर वन होगा, फेज वन में भी 2 पेपर होंगे, पेपर वन और पेपर टू। तो फेज वन का जो पेपर वन होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 60 मिनट होंगे,
कट ऑफ होगी 30%। या दोस्तों, और फेज टू का जो पेपर होगा, फेज वन का जो पेपर टू होगा उसमें भी 100 मार्क्स का पेपर होगा, 40 मिनट टोटल आपको दिए जाएंगे और मिनिमम कट ऑफ जो होगी वो 40% होगी। दोस्तों ये 30 और 40% अगर आप पार करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ये सिर्फ क्वालिफिकेशन की कट ऑफ है। मतलब अगर आपके 30% से कम मार्क्स आए तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे, अगर आपके 30% से ज्यादा आते हैं तो यू आर स्टिल इन द रेस। सेम होगा पेपर टू के साथ, 40% आपको मार्क्स चाहिए पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं फेज टू के बारे में। फेज टू में क्या होगा, फेज टू में भी दो एग्जाम होंगे, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन 100 मार्क्स का होगा जो इंग्लिश के लिए होगा, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, 60 मिनट का पेपर होगा, 30% उसमें कट ऑफ रहेगी। पेपर टू में जो होगा वो उसमें 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 40 मिनट रहेंगे, 40% की कट ऑफ रहेगी और 2/3 इसका वेटेज होगा। या दोस्तों, 1/3 और 2/3 आपको मैं बता देता हूँ कि सपोज ये दोनों जैसे पेपर मिला के 200 मार्क्स के हो गए तो 200 मार्क्स का 1/3 मतलब 66 मार्क्स ऑलमोस्ट वो होंगे पहले पेपर के और बाकी बचे हुए जो 2/3 होंगे वो होंगे दूसरे पेपर के। तो दोस्तों ये था सिलेक्शन पैटर्न। अब इसके बाद ये दोनों फॉलो करेंगे फेज थ्री को। फेज थ्री जो होता है इंटरव्यू, ओनली द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों फेज टू में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसका जो वेटेज होगा वो 85% होगा और फेज थ्री में आपके जितने मार्क्स आएंगे उसका वेटेज 15% होगा। जी हाँ दोस्तों, तो फेज वन कहाँ गया, फेज वन सिर्फ एक क्वालिफिकेशन एग्जाम है फेज वन में, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या है फेज वन फेज टू का। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने एक एक्सेल बना रखा है सिलेबस का, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो आपका फेज वन में आएगा, फेज वन के भी पेपर वन में वो आएगा इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये तीन चीजें इसमें दी हुई हैं। आपको दोस्तों नोटिफिकेशन में भी मिल जाएगा। उसके बाद इन तीन चीजों में से आपको आएगा 100 मार्क्स का पेपर और नंबर फोर जनरल अवेयरनेस टू, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ये चार चीजें होंगी पेपर वन में। तो दोस्तों अगर मैं ऑन एन एवरेज लगाऊंगा, अगर आपको 60 मिनट मिल रहे हैं, 100 क्वेश्चन करने हैं, तो मेरे हिसाब से 50 से 55 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं पेपर टू में। पेपर टू में क्या आएगा, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के बाद मैनेजमेंट, मैनेजमेंट देन फाइनेंस देन कॉस्टिंग देन कंपनीज एक्ट और देन इकोनॉमिक्स। ये सारा जो भी आपको यहाँ दिख रहा है राइट हैंड साइड पर, ये सारा सिलेबस है दोस्तों। ये मैं एक्सेल भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, ये एक्सेल के बारे में अभी मैं आपको बता दूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये हम तीसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम चार चीजें डिस्कस करेंगे, उनमें से ये तीसरा टॉपिक है। एग्जाम का सिलेबस क्या है फेज टू में अगर हम आए तो, फेज टू में क्या होगा, इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, तो उसमें उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एग्जाम 1/3 उसका वेटेज होगा। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में क्या आपको पूछा जाएगा वो भी सेबी ने लिख के दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो फेज टू का एग्जाम होगा उसमें इंग्लिश में मेरे हिसाब से कॉम्प्रिहेंशन पूछा जा सकता है, या फिर आपको ऐसे लिखने के लिए आ सकता है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 60 मिनट ही है तो कोई बहुत बड़ा नहीं आएगा, सिंपल सी चीजें आएंगी, ठीक है। अगर अगर मैं बात करूँ फेज पेपर टू के बारे में, तो पेपर टू, फेज टू के पेपर टू में क्या आएगा, आपको जनरल स्ट्रीम MCQ आएंगे रिलेटेड टू कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, कॉस्टिंग, कंपनीज एक्ट, ठीक है दोस्तों। तो ये थी ग्रेड ए के जनरल एग्जाम के लिए, जनरल एग्जाम के लिए आपको यही पूछा जाएगा। ये जो दूसरी चीज है कि लीगल एग्जाम के लिए, आप लोग लीगल का नहीं भर रहे हैं, आप सिर्फ जनरल पे अभी ध्यान दे रहे हैं, तो आपको सिर्फ वही जो सिलेबस पेपर वन में था वही सिलेबस पेपर टू का है, ठीक है दोस्तों। तो आपको एक ही बार पढ़ना है, बस ये है कि थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि पेपर वन पेपर टू सेम पूछा जा रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं कट ऑफ के बारे में अभी बताऊंगा आपको कि क्या कट ऑफ रही है पिछले जब एग्जाम लिया था सेबी ने, तो दोस्तों सेबी ने लास्ट एग्जाम लिया था 2018 में। 2018 में भी नंबर ऑफ सीट्स जो थी वो सेम थी, 80 सीट्स ही थी, तो उसमें क्या कट ऑफ रही है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि फेज वन में जितने भी एग्जाम अप्लाई करते हैं, जितने भी पर्सन, जितने भी फेज वन में जितने भी लोग अप्लाई करते हैं, उनमें से जो सीट्स होती है, नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल, उसका 10 टाइम्स को क्वालिफाई किया जाता है। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2018 में जो एससी की वैकेंसी थी वो थी 11, तो फेज वन में जो फेज वन के बाद जो फेज टू में गए वो थे 110 लोग, मतलब 11 का 10 टाइम्स, मतलब 1/10। यहाँ यहाँ पे उन्होंने लिख के भी दिया है कि कैंडिडेट रिक्वायर्ड फॉर फेज टू विल बी 10 टाइम्स द वैकेंसीज, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो अब ये जनरल की जो कट ऑफ, हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों
जनरल की जो कट ऑफ आई है मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स सेबी ने बता रखे, तो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स जो कैंडिडेट ने लिए थे जनरल के लिए वो थे 119.25, मतलब 200 मार्क्स में से आपके जो मार्क्स आने चाहिए वो 119 120 से ऊपर आने चाहिए, तो आप सेकंड जो फेज पेपर टू मतलब फेज टू जो एग्जाम है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले एक कंडीशन और है, जो 30% और 40% है वो भी क्राइटेरिया आपका क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों जनरल की कट ऑफ थी 119.25, ओबीसी की कट ऑफ थी 110, एसटी की कट ऑफ थी 103.5 और एससी की कट ऑफ थी 90। या दोस्तों नंबर ऑफ कैंडिडेट जो सिलेक्ट थे वो आप देख सकते हैं, 49 सीट्स थी जनरल में, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट किए 490, 23 थी ओबीसी में, तो नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्ट किए 230। तो आप ये मोटा माटी लगा के चलिए कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स आप 10 टाइम्स जो पर्सन है वो उठाने वाला है सेबी। तो इस बार भी जैसे कि 32 वैकेंसीज हैं अगर जनरल स्ट्रीम की, तो सेबी ऑलमोस्ट 320 लोगों को उठाएगा इस बार, पेपर वन से क्लियर करेगा, फेज वन से क्लियर करेगा फेज टू में जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कट ऑफ पता लग गई होगी। दोस्तों ये अगर आपके पास नहीं है तो मैं ये सारा कुछ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो इसमें लीगल और आईटी वालों की भी कट ऑफ दे रखी है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे बिल्कुल खुल के उसकी तैयारी करिए। या दोस्तों आगे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई नॉलेज लेके। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते।